मेरा प्रोग्राम आज का नहीं था, ये तो तुमने चुंगा लिया। चुंगा जानते हैं ना, हमारे पंजाब में कहते हैं जब बच्चे कोई फायदा लेते हैं ना दो पैसे का, तो कहते हैं चुंगा दे दे, कुछ और चीज ज्यादा मिल जाती है। तो ये तो बोल रहे है ना, है जब तुम्हारा नहीं रखा था तो काहे को सत्र रखा, शाम को हो जाता। चलो मैंने ये शब्द जो अब पढ़ा जाएगा, ये हमारे मास्टर ज्ञान वाले ने सुबह गाया था ऊपर, तो उस वक्त मेरे दिल में ख्याल आया था। कबीर का आज ये शब्द इस उज्जैन वाले मास्टर ने पढ़ा था, क्या शब्द था पढ़ो। भाई कोई सतगुर संत कहावे, भाई कोई सतगुर संत कहावे, नैन ने अलख लखावे। ये शब्द इसने पढ़ा था, मेरे दिल में ख्याल आया था। अरे बेवकूफ फकीर संग सत्संग कराता, किताबें लिखता, अपने आप को संग सदगुरु वक्त कहता। अगर तू संग सदगुरु है तो क्या किसी को अलग रखा सकता है? ये मेरे अपनी आत्मा से मैंने पूछा कि तू अपने आप को किताबों में संत सदगुरु कहता है, किताब और सत्संगों में भी कहता है, क्या तू किसी को अलग रखा सकता है? ये सवाल आया जो मेरे दिल में आया। मैं सच्चा आदमी हूं। ये और बात है कि जो कुछ मैंने समझा हो ये गलत हो, मगर मेरी नीयत गलत नहीं है। समझते तो कबीर क्या कहता है पढ़ो इसको। भाई कोई सतगुर संत कहावे, नैन ने अलख लखावे, भाई कोई सतगुर संत कहावे। वो जो सदगुरु कहलाता है, कबीर कह गया कि कोई संत सदगुरु जो कहलाता है वो नैनों आंखों से अलग को लिखाता है। कैसे लिखाता है? अलग जब किसी को दिखा देता है तो उसकी क्या हालत होती है? कैसे कोई अलग को लिखता है? मैं अपनी आत्मा से पूछता हूं, तूने अलग को कैसे लिखा? पढ़ो वाले। दौलत देगे न बोलत बेसरे, दौलत देगे न बोलत बेसरे, जब उपदेश दृढ़ावे, जब उपदेश दृढ़ावे, प्राण पूज किरिया से नारा, सहज समाधि सिखावे, सहज समाधि सिखावे, भाई कोई सतगुर संत कहावे। जब जिसको अलग लिख जाता है फिर वो क्या करता है?
वो डोलता नहीं, कुछ भी करता हो उसका वृत्ति जो अपनी है वो डोलती नहीं, घबराती नहीं, फिक्र नहीं करती, बेचैन नहीं होती। इस अवस्था का हासिल करना अरख को रखना है, क्यों? जो चीज तुम्हारे अंतर में है या तुम हो, वो जब डोलेगी नहीं, चिंता नहीं करेगी, गम नहीं करेगी, फिक्र नहीं करेगी, तरद्दुद नहीं करेगी, वो जो उसकी अवस्था है, अलग तो है कि जो रखा नहीं जाता, कोई चीज तो है नहीं जो तुमने देखनी है, अलग कहते हैं जो रखा ना जाए। तो अलग रखाने का क्या मतलब कि इंसान की जो अपनी आत्मा वृत्ति है वो अडोल हो जाए, बेचिंत हो जाए, बेगम हो जाए, बेफिक्र हो जाए। समझ तो मेरी बात को, सूक्ष्म बात है। तुम्हारी चित्त की वृत्ति का या तुम्हारा इस संसार में ना डोलना, ना घबराना, ना फिक्र करना की जो हालत है वो है अरख का रखना। तो वो कौन रखाता है? जो कोई सद्गुरु होता है वो जीव को इस अवस्था में पुता देता है, वो जीव को इस अवस्था में पुता देता है, उसकी ये हालत हो जाती है जीव की। अब मैं अपनी आत्मा से पूछता हूं, तेरी ये अवस्था कैसे आई? वो सतगुरु ने रखाई। कैसे रखाई? सतगुरु ने ज्ञान दे दिया कि असलियत क्या है। वो तो ज्ञान देते थे मगर मेरी समझ में नहीं आता। उस ज्ञान के देने वाले गणेश कृषक शेख अमित चंद, सैकड़ों हजारों आदमी जो मेरा ध्यान करते हैं और जो ये कहते हैं कि वो मेरे रूप को अपने अंतर देखते हैं, मेरा रूप इनको मर के समय ले जाता है, मेरा रूप इनकी समाधि लगा देता है, क्योंकि मैं नहीं होता, मुझे पता नहीं होता। तो मुझे क्या यकीन हो गया कि मेरे अंतर में जितने ख्याल पैदा होते थे, जितने रूप पैदा होते थे, जितनी बातें पैदा होती थी, जितने विचार पैदा होते थे, ये दरअसल में थे नहीं मगर मुझको पासते थे। यकीन हुआ कि ना हुआ है? इसने गणेश है, इसने अपना वाक्य बयान किया ना, इसने मुझको एक बड़े भारी चांद के, बड़े भारी चांद में देवता देखे और देवताओं की सबको चीरता हुआ मैं था उसमें, मैं था नहीं। तो मुझे क्या यकीन हुआ कि जो कुछ उसने देखा
वो इसका अपना ही आत्मा था, अपना ही मन था। जैसे जैसे ख्याल, संस्कार, विचार किसी के मन पर होते हैं, वो उसको होते हैं। ज्ञान हो गया कि नहीं हो गया, तो अब जिस वक्त मेरे अंतर में कोई ख्याल, कोई विचार, कोई भाव, कोई शक्ल, कुछ भी पैदा होता है, प्रकाश या शब्द, जो कुछ भी पैदा होता है वो मैं नहीं हूं। मेरे अंतर से मेरे शीर्ष प्रकृति के मुआफिक प्रगट होता है, तो जो कुछ भी प्रगट होता है वो मुझ पर असर नहीं कर सकता, मुझे डोलने नहीं देता। डोलता तो तब आदमी तब है ना जब कोई चीज उसको खींचती है। जब मेरे अंतर के तमाम मंजर, नजारे, रूप, रंग, शब्द और प्रकाश, जो कुछ भी मेरे अंतर होता है, जब मुझको ये यकीन हो गया कि ये तो मेरे अंतर से स्वाभाविक पैदा होते रहते हैं, मेरी प्रकृति की वजह से, तो मैं क्यों डोलूंगा? नहीं ना डोलूंगा। जिस तरह तुम हो, किसी शहर को जा रहे हो, कोई मर गए सौ आदमी, किसी मकान को आग लग गई, तुमको ये यकीन है कि ये मकान, ये शहर जिसको आग लगी है, जो मरे हैं, ये तुम्हारे नहीं हैं। तुम तो तैरने के रहने वाले हो, तो वहां जो कुछ भी हुआ वो तुमको जुड़ाएगा कि नहीं? और जुड़ाएगा, नहीं ना जुड़ाएगा? हाँ, ये शायद तुम इस वक्त डोल जाओ कि किसी शहर में जा रहे हो, वहां डाका पड़ा, इस डर के मारे के लिए तुम भी उसकी लपेट में ना आ जाओ, फिर शायद तुम घबरा जाओ। अगर तुमको ये यकीन है कि तुम उसकी लपेट में नहीं आओगे, तुम डोलोगे? मैं अपने सुबह अपने दिल में सोचा कि तू सदगुरु कहता है अपने आप को, क्या तू किसी को अर्घ खा सकता है? रखा सकता हूं कैसे? जैसे मैंने रखा, मुझको अर्घ रखाने वाले कौन है? तुमको अलग रखाने, मुझके अलग रखाने वाले मेरे गुरु कौन है? ये देश, ये शेख हनीसन, वो हजारा सत्संगी जो मेरा ध्यान करते हैं। मेरे दिल में कई दफा यह ख्याल आता है कि अगर भाई लोगों के अंतर मेरा रूप प्रकट होता है, वो उनको शांति या मनोकामनाएं उनकी पूर्ण करता है, लोगों को मजबूर समय ले जाता है, समाजी में देखने आता है, टीवी वालों को दुआएं बताता है, लड़कों के सुकून के हाल में पर्चे हाल कराता है। अगर वो सचमुच मेरा ही रूप है
तो मैं जिंदा बैठा हुआ हूं, अगर उनके अंचल में मेरा रूप उनकी मदद कर सकता है तो मैं जिंदा बैठा हुआ मेरा रूप दूसरों की मदद क्यों नहीं करता। इस शख्स ने मेरा ध्यान किया, मेरे रूप ने उसको सीधी सी दुआई बता दी, एक शख्स स्कूल के हाल में बैठा हुआ लड़का पढ़ता नहीं आता, उसको मेरा रूप पढ़ता हल करा देता है। या किसी को मरते समय साथ ले जाता है तो अगर उस मेरे ही रूप में सब ताकत है तो दुनिया ये समझती है कि वो मेरा रूप है, तो मैं तुम्हारे सामने जिंदा बैठा हुआ हूँ, मेरे दर्शन करने से मेरे इस रूप से तुमको वही वादा पहुंचना चाहिए जो तुमको तुम्हारे अंतर में मेरा रूप फायदा पहुंचाता है। मेरा ये सवाल करना शायद है या कि नहीं है, इसका फैसला दूसरे कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। मैं तो जो रूप लोगों के अंदर प्रकट होता है मैं कुछ नहीं करता, जहां बैठा हुआ हूं मैं कुछ नहीं करता। तो अगर मेरा रूप ही लोगों के अंदर मदद करता है या किसी और गुरु का रूप मदद करता है तो तब मैं या दूसरा कोई गुरु या महात्मा जिनका रूप दूसरों की मदद करता है उसके जिंदा बैठे रहने से उसके रूप को जागृत में जितना तुम बैठे हुए हो तुम्हारा तुमको भी ज्यादा पहुंचना चाहिए। इसका फैसला सत्संग कर, मैं नहीं कर सकता। जहां तक मेरा तजर्बा है अपना वो ये है कि ऐ इंसान तेरी मदद तेरा अपना ही आत्मा करता है। जिस तरह अंतर में तेरा विश्वास और ख्याल मेरे रूप को बनाकर मदद लेता है, ऐसे ही हो सकता है कि अगर तुम्हारा विश्वास हो तो जब मैं बैठा हुआ हूं तुम अगर अपने विश्वास और श्रद्धा से अपने मन की भावना रखकर मेरा दर्शन करो और ये क्या रखो तो हो सकता है तुम्हारी मनोकामना बात मैंने ठीक करी जाए तो इन तजर्बों से मैं किस नतीजे पर आया कि ऐ इंसान तुझे जो कुछ भी मिलना है तुझे जो कुछ भी मिलता है या तुम्हें जो कुछ भी मिलेगा ये तेरा अपना ही विश्वास है, अपनी ही श्रद्धा है, अपना ही ख्याल है, तेरा अपना ही कर्म।
सबसे ज्यादा विवेकी किसकी है? इंसान तेरी ही विवेकी है। तू सबसे उत्तम है, तेरे ही मन के अंतर सब कुछ भरा हुआ है। तू अपने आप को भूल गया, तू अपने आप को नहीं जानता और गुमराह है। तू खुद अलग है, जितनी रचना बाकी तेरे अंतर की होती है तू इसका आधार है। जैसा तेरा अपना ख्याल है, जैसा तेरा अपना विश्वास है, जैसा तेरा अपना यकीन है, तेरी दुनिया तेरे अपने भी यकीन, अपने भी विश्वास, अपनी भी श्रद्धा की मुताबिक चलती है। क्योंकि जीव निर्बल है, इसको सच्चाई का पता नहीं। बाहर का गुरु उसको सत्संग कराकर, सच्चा ज्ञान देकर उसको अपना ही रूप जो अलग है, अगम है, उसको चर्चा देता है। कि जब सुबह ज्ञान वाले ज्ञान के फूल मात्र में खड़ा, मेरी आत्मा पर ख्याल आया, कोई प्रतीक ज्ञान अपने आप को सजीव करता है। क्या तू किसी को अलग रखा सकता है? जैसे तुमको ज्ञान देकर, तुमको सच्ची बात बताकर, तुम्हारे धर्मों को दृढ़ कराकर, तुम्हारे शंकाओं को दूर करके, तुमको सच्चाई की बात बताता है। मगर इस सच्चाई को कौन समझता है? जिन लोग संसार के संसारिक आशाओं में व्यस्त हो, संसार की भावनाओं में व्यस्त, जायदाद इन तमाम खबरों में हो, इसके लिए भी संत क्या करते हैं? तुमको विश्वास करा देते हैं। मैं क्या करता कि किसी आदमी धर्म का भाया हुआ मेरे सामने आता, उसकी कोई मनोकामना होती है, मैं उसको प्रसाद दे देता हूँ, फिर पर हाथ फेर देता हूँ, आशीर्वाद दे देता हूँ। अगर उसका यकीन होता है मेरे प्रसाद का, मेरे सिर पर हाथ फेरने से मेरे पतन पर इसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, तो इसकी मनोकामना पूर्ण करने वाला भी तुम्हारा कौन है? तुम हो। तुम हो तुम। अगर तुम्हारा विश्वास नहीं, तुम्हें क्या मिलेगा? ज्यादा कठिन सरल है
तुमने सब कुछ सब कुछ तुमने ऐसे विचार करने का तुमने सब कुछ अच्छा मुझको जो समझ नहीं आती दाता ने मेरे साथ खेल दिया वो लिखा करते थे क्योंकि पिछले संतों का जितना तरीका था उससे जीव जो है वो समझ नहीं सके तो मैंने संत सदगुरु वक्त बन के अपने आप को कहकर वो जो तरीका था बताने का या जो सिलसिला तालीम था उसको बदल दिया मैंने क्या किया बात वही है जो संत कह गए ऋषि कह गए कहा नहीं ओम पूर्णम पूर्णमध्य वेद मंत्र है कि नहीं उसी बात को मैं कहता हूं मगर मैं सीधा डंडा मारता हूं हेर फेर क्यों नहीं करता मगर सीधे डंडे को हर एक आदमी समझ नहीं सकता क्योंकि तुम्हारी लोगों की बुद्धियां समझने के योग नहीं है और अगर कोई बात वक्त से पहले किसी को कोई बता दी जाए उसके वो अपने अज्ञान की वजह से अपना नुकसान भी कर लेता है ये मेरी तालीम में नुक्स भी है मतलब तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे लड़कियां हैं तुम इनके सामने काम के विषय पर कोई बात नहीं करते करते हो छोटी लड़कियां हैं छोटे लड़के हैं इनके सामने तुम काम के अंत के मुतल्लिक कोई बात नहीं करते शर्माते हो क्यों नहीं कहते क्योंकि वो अभी तक इस बात के समझने के योग नहीं है और अगर छोटी उम्र में इनको काम के अंग का किसी तरीके से ज्ञान हो जाए तो वक्त के पहले ये कामग्रस्त होकर अपने जीवन को बर्बाद कर लेंगे करेंगे तो नहीं करेंगे उस वास्ते संतों ने ये जो गुप्त रस था ये जो संतों का ऊंचा मार्ग था जिस तरह से तुम लोगों ने हम लोगों ने छोटे बच्चों से के सामने काम अंग का जिक्र नहीं किया और ना उनके सामने हम काम भोगते हैं कर्जा रखते हैं इस वास्ते इस बात को इस उनकी संत मत की चाहिए उनको संतों ने गुप्त रखा जीवों के कल्याण के लिए नहीं समझ में आई है मगर अब जमाना बदला
समय बदल गया। जिस तरह स्कूल के अंदर कवाली लड़कियों और कवाले लड़कों को टेक्स्ट बुकों में काम के अंग के मुतालिक तालीम दी जा रही है, दी जाती है कि नहीं दी जाती? हालांकि बाजे वक्त जितने मजहब हैं और जितने पंथ हैं, इनके चलाने वाले कोई भी सद्गुरु नहीं है, क्योंकि ये जीवों को सच्चा ज्ञान नहीं देते। सब ही दुनिया के गुरु महात्मा ये चेले तुमको भ्रम में रखते हैं और अपना मान लेते हैं, अपनी दौलत लेते हैं, तुमको बेवकूफ बनाते हैं और तुमको लूटते हैं। समझ गए मेरी बात को? मैंने क्या कहा? सोचो मेरी बात को। इसका कुछ तजर्बा तो मुझे जिंदगी में हुआ। अब मैं कैसे मान लूं कि किसी के अंदर भूत आता है? हजूराबाद में एक हेडमास्टर की औरत को भूत आता था 12 साल से। वो शक्ल उसके अंदर बन जाती, उसको डराती, उसको बेहोश कर देती। तो उसको किसी ने कहा, भाई तू राधा स्वामी नाम ले ले, तू बच जाएगा। उसने नंदू भाई से खावन ने और औरत ने नाम ले लिया। कुछ खास कर देना चाहिए, मुझको लिखा। मैंने कहा जब इसको भूत आए कि मेरी हुक्के वाली जो फोटो है उसको धूप दिखा के इसको दिखा देना, कि जब उसको दौरा आया उन्होंने वो धूप दिखा के मेरी फोटो आगे रख ली। और वो औरत कहती है, क्या हुआ? तू ब्याज फकीर है होशियारपुर का, मैं नहीं जाता, मैं नहीं जाता। अच्छा, तो उसका सुसर, उसका खादन, उसका जोर पास से बैठे हुए, वो कहते हैं उसका जेवर होशियारपुर आके मिला, वो कहता बाबा हमने उन तीनों ने मुझको वहां देखा बाहर खुली आंखों से, और हाथ में मैंने झाड़ू लिया, उस आरोप को मारा, डर निकल जाए जहां। तो वो आरोप कहती है मैं नहीं जाता, मैं नहीं जाता। तो आपने झाड़ू मारे उसको। फिर वो जो बोलने वाला था वो इमली का दरख्त था, उसके ऊपर चढ़ के बोला। वो कहते हैं कि उन्होंने मुझको इमली के दरख्त पर चढ़ते हुए देखा, उसके बाद उसको भूत नहीं आया। अब भी वो औरत और उसका मालिक मुझको हनुमान कुंडा सत्संग में आकर मिले। उनका महाराज भूत तो हमारा चला गया, अब हमारे संतान नहीं है, संतान दे दो। मैंने अपने आप को संत सदगुरु कहा है। मैं आत्मा से पूछता हूं, ओए बुद्धे फकीर चंद, क्या तू सदगुरु की ड्यूटी पूरी करता है?
मैं कहता हूँ हाँ करता हूँ, सतगुरु नाम है सच्चे ज्ञान का। सतगुरु नाम है सच्चे ज्ञान का। मैं सच्चा ज्ञान संसार को देता हूँ। क्या कहता हूँ कि ए इंसान, ये जितने तेरे अंतर में खेल होते हैं, बाबा वकील आ गया, भूत आ गया, देवी आ गई, तुम्हारे अंतर रूप आ गए, तुमने कई नजारे देखे, ये हैं क्या? तेरे अपने ही मन का खेल है। कोई बाहर से ना राम आता है ना भगवान आता है, ना बाबा फकीर आता है, ना बाबा सावन सिंह आता है। तुम लोगों को बेवकूफ बनाया गया है, तुम लोगों से दौलतें हड़प की गई हैं, मगर तुम लोग सच्चे आदमी की कदर नहीं करते। जो तुमको धोखे में रखे, जो तुमको पर्दे में रखे, जो तुमको हेरा फेरी करना सिखाए, तुम्हारे साथ हेरा फेरी करे, तुम उनके साथ ही गए। सुबह जब जाने वाले ने सबक पढ़ा, ये पढ़ो क्या सबक था। भाई कोई सतगर संत कहावे, भाई कोई सतगर संत कहावे, नैन नियल खल खावे, नैन नियल खल खावे। शब्द पढ़ा गया, मैंने अपनी आत्मा से पूछा, अरे फकीर संत, गुरु आज्ञा बस अपने कर्म अनुसार तूने अपने आप को संत सदगुरु कहा है, क्या सचमुच तू संत सदगुरु है? मेरी आत्मा कहती है मैं सचमुच संत सदगुरु हूँ। सच्चा ज्ञान तुम लोगों को देता हूं, मगर तुम लोग सच्चे ज्ञान के अधिकारी नहीं हो। तुमको दुनिया चाहिए, उसके लिए तुमको क्या कहता हूं कि जो कुछ तुमको चाहिए वो अपने मन में चाह रखो। अमीर बनना चाहते हो अमीरी की चाह रखो, नेक बनना चाहते हो नेकी की चाह रखो। जैसी तुम्हारी आशा होगी, तुम्हारा मन वैसे ही संकल्प बनाएगा और तुमको वैसे ही खेल खिलाएगा। जिस तरह उस आयुष के दिमाग के अंतर भूत का ख्याल था, उस भूत ने उसके उसको 12 साल चक्कर में डाला, कोई बाहर का भूत नहीं था, उसका अपना ही मन था, अज्ञानी मन
जिसके ऊपर दूसरों के प्रभाव पड़ेगे थे, जिस तरह गणेश के अज्ञानी मन के ऊपर मेरा प्रभाव था, तो इसके अंदर मेरा रूप प्रकट हो गया, मैं तो गया नहीं। तो मैं संत सदगुरु की हैसियत में अपना काम करता हूं। क्या काम करता हूं? ऐ इंसान, तू जो है खुद, जो तू असली चीज है, तू अलग है। उसका ना कोई रंग है, ना कोई रूप है, ना कोई कुछ नहीं है, वो सब कुछ है। तेरे शरीर के अंदर जो कुछ भी होता है, तू उसका साक्षी है। अब अपनी खेल को, अपनी दुनिया को जैसा तेरा जी चाहे वैसा बना ले। अच्छा बनाना चाहता है, अच्छे ख्याल ले ले, बुरा बनाना चाहता है, बुरा ख्याल ले ले, जैसा तू बनना चाहता है, जैसा तू अपना तमाशा देखना चाहता है, वैसा तू बन जा। जिस तरह उस औरत ने अपने ही ख्याल से भूत बनाया और अपने ही ख्याल से मेरे लफ्जों के सहारे उसने बाबे फकीर को बना लिया। समझ में बात आती है कि नहीं आती है? क्या कहा आप? सोच लो, ये दमोदर तुम लोग मुझे यहां सत्संग के लिए बुलाते हो, कुंभ कर गया था, तुम्हें बुलाया था नहीं? कितना मैं जबरदस्त काम कर गया, सुनने वाले भी हैरान थे। अब तुमने बुलाया, अगर खोपड़ी तुम्हारी में कोई बुद्धि है तो सोचो, मैं ये पाशन दे चला, इस पाशन की कोई कीमत देता है? जो सच्चा ज्ञान, सच्ची बात मैंने तुमको कही है, क्या तुम्हारे पास उसके इवज में कुछ देने को है? मगर मैं इसका एहसान मानता हूं। इसने मौत से सुबह ये मेरे कोठे पर शब्द पड़ा, फौरन अपनी आत्मा पर गया, ख्याल दिया। फकीर संत, तू सदगुरु अपने आप को कहता है, पाखंडी तो नहीं, दुनिया को धोखा तो नहीं देता, दुनिया से फरेब तो नहीं करता? मैं फरेब नहीं करता, मैं तुम लोगों को धोखा नहीं देता। तो मैं किस नतीजे पर आया? ऐ इंसान, जो कुछ है तेरी दुनिया का मालिक तू आप है। गुरु की संगत में जाकर अपने विचारों को ठीक कर ले, अपने भावों को ठीक कर ले, अपने संकल्प को ठीक कर ले, तू अपनी दुनिया बना ले। दुनिया तूने अपनी आप बनानी है। गुरु ने तुझको सच्चा रास्ता बताना है। तो मां सम्मोहनलाल, मैं गलत कह रहा हूं? मैंने दुनिया में देखा कि मेरे जैसे भोले भाले तुम, गणेश जैसे, दमोदर जैसे बेवकूफ जो है मेरे जैसे, इनको इस वक्त इस मौजूदा मजहबों ने, के लीडरों ने, पॉलिटिकल लीडरों ने, मजहबी लीडरों ने बेवकूफ बनाकर
अपना बार बर्दारी का जानवर बनाया हुआ है। कोई तुमको सच्ची बात नहीं कहता है तो कबीर कहता है, पर भाई कोई भाई कोई सतगुर संत कहावे, भाई कोई हाँ वो कोई कौन है ये फकीर कबीर कहता है, कोई अपने आप को सतगुरु संत कहलाता है, मैं कहलाता हूँ मैं हूँ संत सतगुरु संत, क्या कहता हूँ तुम लोगों को। अपने रूप को जानो, तेरी सब दुनिया तेरे मातहत है, तू अपनी मन के संकल्पों में दौड़ता फिरता है, डरता फिरता है, भागता फिरता है, रात को सपना आ जाता है, शेर आता है तेरे सामने, तू डर जाता है। क्या वो शेर है? नहीं ना, रात को तुम्हें सांप डसता है, तू डरता है, क्या वो डसने वाला सांप है? रात को तुम सपने में एक औरत बना लेते हो, उसके साथ भोग करते हो, तुम्हारा वीर जाया हो जाता है, क्या वो औरत है? वो औरत तो नहीं है, नहीं है ना? तो अपने ही मन की कल्पना में इंसान आप दुखी हुआ हुआ भरमता है। ये तेरी जो अपनी कल्पना है यही माया है। हर एक जीव अपनी ही माया में आप फंसा हुआ है। गुरु आता है, ज्ञान देता है, जीव को माया से निकाल देता है। कैसे निकालता है? ज्ञान दे। इसलिए मैं अपने आप को संत सद्गुरु कहता हूं, और इस कहने से अपने आप को हंकारी नहीं मानता, सत्यता से काम ले रहा हूं। किसी गुरु ने इतनी सत्यता से आज दिन तक काम लिया है? तुमने लाखों सत्संग सुने होंगे कि नहीं होंगे? किसी ने सच्चाई से बयान किया? सब ने अपना क्रेडिट आप लिया, तुम लोगों के सिरों पर उस्तरे रखे उस्तरे, तुम्हारे बच्चों के पेट काट काट कर तुमने बाबा प्रीतम दास का मंदिर बना दिया। बेवकूफो, तुमने किया क्या? क्या किया तुमने? वो जो तुम्हारे हक को हजार की कमाई थी, जिसके हकदार तुम्हारी बूढ़ी माँ बूढ़े बच्चे थे, वो हम गुरुओं ने खाए, तुमको अज्ञान में रखा, तुमको बेवकूफ बनाया कि नहीं बनाया, बताओ? तुम लुट गए, मैं तुम लोगों को लूट से बचाने आया हूं, मैं तुम लोगों को भ्रम के जाल से बचाने आया हूं, तुमको सच्ची बातें बताता हूं, मगर तुम सच्ची बात को सुनने के लिए तैयार नहीं हो। मैं कल आया, शेख अमी चंद जो मुझको कार पर लाया, ये बाबा सावन सिंह का चेला है, ब्यास में जाता है,
सुबह मेरे पास कार लेने के आया इंद्रनगर, जब वापस ले जा रहा था तो कहता है बाबा सुबह अब मैं जानता हूं ना कि मैंने नहीं बुलाया, ऐसे कृष्ण में तुम्हारे अंतर हुए, कोई राम का भगत बना, कोई कृष्ण का भगत बना, कोई बाबे सावन सिंह का भगत बना, कोई बाबे फकीर का भगत बना, और तुमको बेवकूफ बनाकर हम गुरुओं ने लूटा है। मैं संत सदगुरु बन के संसार में आया हूं, मैं अनामी धाम में रहने वाला हूं। अब तो मुझको यकीन हो गया ना, मगर दाता ने पहले ही कहा था तू है क्या निकालो तो, मेरे मुतल्लिक दाता ने पहले लिखा हुआ है तू है क्या, तू मर्दे आलम है ऐ मर्दे फकीर, गिर्द तेरे फिर रही है दुनिया होकर के असीर, तो अगर मैं अपने आप को संसदी वक्त कहता हूं मैं जुर्म नहीं करता, इस वास्ते नहीं कहता कि तुम मुझे पूजो, इस वास्ते नहीं कहता तुम मुझे धन दो, इस वास्ते नहीं कहता तुम मुझे रोटियां खिलाओ, इस वास्ते ये बात देता हूं कि तुम दुनिया में रहते हुए जोड़ो नहीं, निकले हैं कहां गया गोपाल दास, तू है क्या मर्ज़े आलम है ऐ मर्ज़े फकीर, निकाल दो, समझ रहे हो दमोदर, तुम बुला लेते हो मुझे, तुम्हारा ये हिसाब है बेकदरा दी दोस्ती कैंकी हंस, मास मास तेरा सीखा चढ़ गया कि गलियां हिल गए पंख, तुम मेरी उम्र को नहीं देखते मुझे कितनी तकलीफ होती है, जब तुमने पब्लिक को सत्संग का सुबह का अनाउंस नहीं किया हुआ था, लोगों ने तो शाम को आना है, तुमने खाम खा सत्संग लगे, क्या सोचा तो इस बुद्धे को भी तकलीफ होगी, ख्याल आया नहीं ना आया, कौन कहता है कि तुम गुरु के सेवक हो, तुम तो गुरु के दुख देने वाले हो, कौन कहता है तुम गुरु के सेवक हो दमोदर, तुम गुरु के दुख देने वाले हो, मेरा तो कुछ नहीं गया, चलो घंटा पर और पहुंच जाऊंगा, कुदरत ने मुझे कुत्ता बनाया है, कुत्ते का क्या काम है, जिसकी रोटी खाता है उसकी चौकीदारी करता है, कुत्ता जब चोर आ जाता है रात को पहुंचता है कि नहीं, मालिक को खबरदार करता है चोर आ गया जाग, मैं पाऊं करके तुम लोगों को संसार वालों को कहना चाहता हूं कि इन मजहबों ने इन पंथों ने इस गलत गुरुइज्म ने, गुरुइज्म तो सच्चा है, गलत गुरुइज्म ने तुमको लूटा है, लूटा,
मैं बाउं करके तुमको उस लूट से बचाना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारा मैं नमक खाता हूँ। उसका जो मारे कुत्ता होता है, जिसके घर का टुकड़ा खाता है, उसका हक अदा करता है। तो मैंने अगर तुम्हारा नमक खाया तो मैं उसका हक हलाल पूरा किया जाता हूँ। तुमको सच्चाई बयान किया जाता हूँ कि इस अपने मन की चालों में, इस अपने माया के चक्कर में आके तुम लुटो नहीं, इसके रूप को समझो। मैं हूँ संत सद्गुरु। ये तुम अब तो मुझे यकीन हो गया ना कि मैं संत सद्गुरु हूँ। दाता ने यही कहा था, पढ़ो। तू है क्या? तू है क्या तो मर के दे, आलम है ये मेरे देश की रे। तू है क्या तो मर के दे, आलम है बाबा फकीर पैदा हुआ, वो तेरी नकल। तू असल था गणेश, मेरा रूप और चंद्रमा का रूप और देवता का रूप जो तेरे अंदर नजर आया वो नकल। मैं सद्गुरु की हैसियत में तुमको तुम्हारा ही रूप दर्शाने आया हूँ कि तुम कौन हो। आगे अकल सब। ज्ञान करता है, ध्यान करता है, जप करता है, तप करता है, वो तेरी अपनी ही माया है, तेरी अपनी ही बुद्धि है। नहीं समझ में आती है? यही कबीर ने कहा है, भाई बोलो कोई।
सतगुरु संत कहावे अपने ही रूप में कायम रहना, जो कुछ तुम्हारे अंतर से निकलता रहता है उसमें ना फंसना ही शायद समाधि है। जैसे तुम जा रहे हो उद्यान में, अपने आराम से जा रहे हो, साथ वाले मकान में आग लगी हुई है, तुम जानते हो तुम्हारा नहीं है, क्या तुम दौड़ते हो अपने आराम से देश हो जा रहे हो? ऐसे ही जो आदमी दुनिया में रहता हुआ जो भी होता रहता होता रहे वो दौड़ता नहीं, इस अवस्था का नाम है सहज समाधि। ये कब आएगी? जब तुमको ज्ञान होगा। ज्ञान कौन देगा? बाहर से कोई सदगुरु देगा। इस वास्ते वो सदगुरु मैं हूं जिसका जरा कभी ने किया है। भाई कोई सदगुरु संत कहावे वो जो वकील संत है जो अपने आप को सदगुरु संत कहलाता है, धोखा नहीं देता, तुमसे पैसे नहीं मांगता, तुमसे दावत नहीं चाहता, रह गया तुम्हारे ज्ञान का तरीक, उसका फैसला मैंने पहले सदगुरु ने कर दिया कि भाई अगर मेरा रूप तुम्हारे अंतर तुमको पुत्र दे जाता है, बेटे दे जाता है, दुआइयां बता जाता है, मरते समय ले जाता है, सुनते चढ़ा जाता है, अगर वो सचमुच मेरा ही रूप है तो मैं तुम्हारे सामने बैठा हुआ हूँ, उससे मांगो, उससे भी दर्शन करने से तुमको मैं मिलना चाहिए। अगर ये नहीं मिलता है तो इससे साफ साबित हुआ कि तुमको जो कुछ मिलना आया अरे इंसान तेरे अपने ही कर्म, तेरे अपने ही ख्याल, तेरे अपने ही विचार का फल है। बाहर के गुरु ने केवल तुझको ज्ञान देना है, सच्ची बात बतानी है, बाकी जो कुछ तुमको मिलना है ये तुम्हारे अपने धर्म, अपने यकीन, अपने विश्वास का फल है। मुझे क्योंकि कोई पता नहीं न मुझे इलम है तो मेरा रूप दूसरे के अंदर क्या करता है जाके, न मुझे इलम है, मैं नहीं जानता। इसका फैसला अगर मैं कर सका जिंदगी में तो कर जाऊंगा, नहीं तो सत्संग लोग करेंगे, मैं नहीं कर सकता। मैं अपनी जान बताना चाहता हूं, मेरे पास सिवाय शुभ भावना के, सच्चे ज्ञान के और कुछ नहीं। तुम्हारा जी करे मुझे दोपहर की रोटी खाने को दो, तुम्हारी मर्जी है ना दो। बस साफ बात से हाँ, अरे करी पड़ो कहे करी देखो इसमें दाता दाल ने मेरे मुताले क्या लिखा। वो कहते हैं तेरे ही नूर से ये सूर्य चांद सितारे सब मुनव्वर हैं। मुझे पता नहीं है या फिर नहीं, मैं नहीं जानता। अगर मेरे ही नूर से मुनव्वर हैं
और ये सच है जो कुछ दाता ने लिखा, मुझे नहीं पता झूठ है या सच है, मैं नहीं जानता। तो मेरे दर्शन करने से तुमको शांति मिलनी चाहिए, तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण होनी चाहिए। ये मुझे पता नहीं होती है कि नहीं होती। जहां तक मेरी जात का ताल्लुक है, मैं ये समझता हूं कि मेरे पास कुछ नहीं। अगर कोई चीज है तो ज्ञान है, सच ज्ञान है, वो मैं तुम लोगों को देता हूं। साथ ही सत्य देकर तुम्हारा भला चाहता हूं, तुम्हारा कल्याण चाहता हूं। इसके सिवा मैं नहीं कुछ जानता। ये दाता जानते हैं उन्होंने ये सब क्यों लिखा, क्या लिखा, आया मुझ में यह ताकत है या नहीं, मुझे नहीं पता। लोग मेरे मतलब बहुत कुछ कहते हैं मगर मैं इल्म हूं, ये इसका फैसला मैं नहीं कर सकता। मेरे पास एक ही चीज है, दमोदर तुम लोग मुझे बुलाते हो, तुम किस लिए बुलाते हो इसका मुझे पता नहीं। मैं क्यों आ जाता हूं इसको मैं जानता हूं। मैं आता हूं इसलिए कि इस सच्चाई को जाहिर कर जाऊं कि काल और माया ने संसार को बुरी तरह से दबोचा हुआ है, इंसानी नस्ल आपस में बट गई है अज्ञान से। मदद करने वाला तो तुम्हारा अपना मन है। तुम समझते हो कि बाहर से राम आया, तुम रामापंथी हो गए। तुम समझते हो बाहर से कृष्ण आया, तुम कृष्णापंथी बन गए। तुम समझते हो बाहर से मोहम्मद ने आके अली ने तुम्हारी मदद की, तुम मुस्लिम हो गए। तुम समझते हो बाहर से गुरु नानक साहब आया, तुम सिख हो गए। तुम समझते हो बाहर से बाबा फकीर आया, तुम होशियारपुरी हो गए। तुम समझते हो तुमसे बाहर से बाबा सावन सिंह आया, तुम व्यासी हो गए। तुम समझते हो आगरे से कोई गुरु आया, तुम आगरी हो गए। इस अज्ञान से इंसानी नस्ल बच गई। भारतवर्ष में इंसानी नस्ल डिवाइड हो गई और हमारी रोज मजबूरी खाना जल्दी होती है, जिसका नतीजा हमारे लिए बुरा है। इस कोर को दूर करने के लिए मैं जगत में अनामी धाम से अवतार लेकर इस संसार में आया हूं। क्या कहने, सच्चा ज्ञान देना। आगे तो है दाना, तो है नादान, दोनों तुझे से मुझको इस पर्दे का पता नहीं लगता था। पर्दे के खोलने वाले गले अनुतन का दूसरे सत्संगी हैं, जिन्होंने आके मुझे ये बताया कि उन्होंने मेरा रूप अपने अंदर देखा। इस ज्ञान ने मेरे लिए पर्दे खोल दिए। मुझको अपनी जात का पता लग गया कि मैं कौन, मैं अलग हूं, मैं अगम हूं, मैं अनाम हूं, मेरी जात है। ये बाकी जो कुछ भी मेरे अंदर होता है ये मेरे सहारे हैं, मैं इनका आधार हूं, ये सब कुछ मेरा है। यही तुम अपने आप से विनय समझे, जमोदय समझे। क्यों भटकते फिरते, कब लग बाबे फकीर के पीछे फिरते रहोगे? ये बाबे फकीर का जो दे नहीं रहेगा
फिर रोह में बैठ के हर बाबा चला गया। तुम खुद अपने रूप को आप देखो, इसलिए घरों के मोहताज जब तक बनते रहोगे। बाहर का गुरु हमेशा नहीं जाता, वो तो सिखाने के लिए आता है, सिखा के चला जाता। वो तो जीवों को सिखाने के लिए आता है, खबरदार करने के लिए आता है, वो सिखा के चला जाता। जब जब धर्म की हानि होती है तो भी कहता है मैं जुड़ी जुड़े में अचार जाता हूँ। जब अज्ञान अंधेरा ज्यादा फैल जाता है दुनिया में, चार सौ दिन फेरा फिर ज्यादा हो जाती है, तो उसका एंटी पैदा करती है। जब मुसलमानों का राज था उस वक्त मौलवियों की ड्यूटी चली गई, कादियों की ड्यूटी चली गई थी। जब हिंदुओं का राज था तो ब्राह्मणों की ड्यूटी चली गई, और संतों साधुओं का राज आया और संतों साधुओं की ड्यूटी चल गई है। संतों और साधुओं ने तुम लोगों को तुम्हारी आंखों में मिट्टियां डालकर तुम्हारे धन हड़प किए हैं, तुमको खा गए, तुम्हारी हड्डियां चबा गए। खा गया ना प्रीतम दास उसको, क्या कहना है दमोदर को, जायदाद दुकान देखी उसका कुआं खोदता रहा। खाया कि नहीं खाया, दिया क्या तुम जानते हो, मुझे पता नहीं। ऐसे ही संसार के अंदर जब जब अज्ञान घेरा आ जाता है, तब तक कोई ना कोई शक्ति संसार में प्रकट होकर इस अज्ञान के अंधेरे का नाश किया करता है। राधा स्वामी मत अज्ञान के अंधेरे को नाश करने के लिए पैदा हुआ था, काल और माया के जीवों को निकालने के लिए पैदा हुआ था, मगर मुख्य गड्डियां बंद बन के इन्होंने तुम लोगों को अपने जाल में और फंसाया, तुमने नफरत पैदा की, तुमको सजाई नहीं जाएगी। आगे आपको भूल गया कि तू है कौन। मैं नहीं भूला, ये सब भूले हुए हैं। तो गुरु आके चेतावनी देता है कि अपने रूप को जान, आप को आप सखायो कहा और चाहे मना, तुम अपने रूप को जानो। तुम जहां से आए हो वो अनामी धाम है, अलग पुरुष की याद थी। तो अलग पुरुष का अगर किसी ने दर्शन करना हो, अलग पुरुष की याद की संतन ही की दे रखा जो चाहे, अलग को इन्हीं में रख ले तो संत के दर्शन संत की संगत से क्या मिलता है। तुमको अपने रूप का ज्ञान होता है कि तुम कौन हो। लो दर्शन पाई दर्शन, अपने आप को आप पहचानो, कहा और का लेख न मानो,
पता मुझे नहीं मिलता था ऐ दिन ऐ दूसरे ऐ दूसरे या दूसरे पसंद जिन्होंने आके मुझको ये कहा कि मेरे रूप ने उनको मदद की नशे समय ले गए तुम लोगों से मुझको अपनी जात का पता लगा क्योंकि मैं तो गया नहीं था तुम्हारे अंतर तो मुझे यकीन हो गया कि मेरे अंदर भी जितने रूप रंग रेखा जितनी शक्लें दादा का रूप राम का रूप सूरज चांद सितारे जो कुछ मेरे अंदर पहले होते थे वो सच नहीं थे नकल थे असल मैं था। इस ज्ञान ने मुझको अपने आप को अपनी तरफ जाने के लिए मजबूर किया कि मेरे सदगुरु आप लोग हैं मैं आप लोगों को गणेश को दामोदर को भूप सिंह को बुजुर्ग को या दूसरे कमाल माई को या दूसरे सत्संगों को अनिकन या दूसरे जो अभीता अनिका में ये कहते हैं कि बाबा मैं उन्होंने मुझको अपने अंतर देखा सिर्फ इस एक ख्याल ने मुझको अपनी जात का पता दिया जो मैं तो था नहीं वो तो तुम्हारे अपने सिस्टे थी मेरे अंतर भी जितने दुख होते थे वो क्या साबित हुए माया और पास यही राजा स्वामी लक्ष्मी का ही आगे बात का अपने यहाँ आया तू पाता है पता इसका पता इसके पते की भी तुझे बारे असल कुछ क्यों करवा नहीं अगर भाई में वो हो गया तो क्या हो गया खुदा हो गया मैं अहम ब्रह्म के काबू में आकर के खुदा नहीं बना अहम सत्यम नहीं कहता अनरत नहीं कहता बात समझी चुप हो गया बस कहने की क्या जरूरत मुझे कोई परवाह नहीं अगर मैं दास हूं तो क्या तेरी जैसी जान का कोई आज तक देखा नहीं तेरी जैसी जान का कोई आज तक देखा नहीं बताओ क्या कहने हर कहीं दिखा मेरे जैसा काम ध्यान करने वाला आज तुम कई किसी को मिला है या तो तुमको दीन बनाएंगे या तुमको कहेंगे तो तुम वही हो दोनों ही मार्ग है ना आज दिन तक दुनिया में जब चलूं या अंतर हक कहेंगे या अनर हक कहेंगे मैं ना अंतर हक कहता हूँ ना अनर हक कहता हूँ मैं न अंतर हक कहता हूँ न अनर हक कहता हूँ अगर कुछ कहता हूँ तो ये कहता हूँ ऐ इंसान तेरी जात तेरी सूरत उजला मकानी मालिक कोई परम तत्व आधार की अंत है मौत से पूरे संसार में आया है न खुदा बन न बंदा बन इंसान बन अपने रूप को जान ले तू इस पैटर्न का बुलबुला है जब तक तेरी जिंदगी है खुशी से जिंदगी काट किसी की मदद कर दूसरे को जीने दे खुद जी खुद कमा दूसरे को कमाने दे
ये दुनिया है धर्म को दूर कर एक साधारण जिंदगी जीते क्योंकि ये खुदा बनता है क्योंकि ये ब्रह्म बनता है गलत सही है जाते हैं लोग मेरे बच्चों सत्य आदमी के लिए क्या कहते हैं बात में अपनी हुआ गुम भेल तो पाता है पता बात में अपनी हुआ गुम फिर तो पाता है पता इसलिए यह भेद सारा आज तुझको दे दिया इसलिए ये भेद सारा आज तुझको दे दिया मेरा वो हिसाब है जब राम दो जीवन में वैराग हो गए वशिष्ठ के पास गया जो वशिष्ठ कहता है राम को हे राम तू ब्रह्म का अवतार है राम कहता है तुम कहते हो मैं ब्रह्म का अवतार ही मुझे नहीं पता योग विशिष्ट में है भी लिखा हुआ जो कुछ जाता ही मुझे बनाया मुझे नहीं पता हूंगा मैं कुछ जितनी ड्यूटी मेरे जमे थी वो मैं पूरी करके आया निष्कपट होकर निरहंकारी होकर और निष्पर्श होकर जितनी समझ कुदरत ने मुझको दी जो मौज में मेरे दिमाग को हिलाया वो मैं करते रहा कि भाई कोई सार्वजनिक संस्कार पर क्या है भाई कोई सतगुरु संत कहावे नैन ने अलख लखावे नैन ने अलख लखावे दौलत डिगे न बोलत विसरे जब उपदेश चढ़ावे प्राण पूज करे आते न्यारा सहज समाधि सिखावे भाई कोई सतगुर संत कहावे बार न रूंधे पवन न रोके द्वार न रूंधे पवन न रोके नहीं अनहद और जावे ये जो रूप तुमको शब्द वाला सुनाई देते हैं ये साधन है मंजिले मकसूद नहीं ज्ञान को हासिल करने के लिए इसलिए कि तुमको तजर्बा हो जाए मुझे जो गुरु पत्नी दी थी इसलिए दी थी कि मुझे तजर्बा हो जाए ये साधन जो है ये मंजिल मकसूद नहीं है मंजिल मकसूद शांति है ठीक है अपने रूप में रहना मुझे नहीं पता दादा का क्या भाव है अपने रूप में रहना उनका क्या भाव है क्या समाधि में रहना मैं नहीं जानता जिस तरह समाधि में रहता हूँ मैं वो बयान करता हूँ मुझे ये यकीन हो गया तुम लोगों की वजह से कि मैं कहीं नहीं जाता ऐसे ही मेरे अंदर में जितने खेल होते हैं ये मायावी हैं ये उठते रहते हैं प्रकृति के अनुसार मैं इनमें फंसता नहीं इसको मैं बोलता हूँ जीवन मुक्त अवस्था वजह करती मुझे यकीन हो गया कि मारे पे एक अलग है अगम है ना उसका कोई रूप है ना उसको कोई रंग है एक चीज है सब दुनिया उसी का रूप है और सब कोई उसका रूप नहीं तो अपने आप को मैं एक चैतन्य का बहुत बड़ा समझता हूँ एक समुंदर है उसमें से बुलबुले उठते रहते हैं लहरें उठती रहती हैं उस समुद्र में समाती रहती हैं मुझे ये यकीन हो गया है एक तत्व है एक मालिक है इसमें हेलो रुचि है सूर्य चांद सितारे सब बनते हैं और बंद बन के देर से रहते हैं
समुद्र से सब कुछ निकलता है, खेल हुआ किसी ने सुना गया रचना अनादि है। शांति ले गई, बेसुखी आ गई, बेगमी आ गई, क्लास खत्म हो गई, जीवन क्या जीव की जरूरत देता है, ये हमारी समस्या है। तुम लोगों ने मुझे बुलाया, जो कुछ मैंने समझा आप ये मुझे बता दिया, कोई दावा नहीं कि जो कुछ मैंने कहा यही चीज है, मगर मेरी नीयत था सुबह कि जाने वाले मास में से संग पड़ा क्या आया है यही, अरे बेवकूफ क्या करता संसार जी अपने आप को क्या दिया, मैंने कहा मुझसे कहलवाया गया कुदरत ने जबरदस्ती, जितना ये शब्द है ये दाता का एक संस्कार दिया हुआ है, मेरे बस की बात है, मैं क्या करूं। आई हैव बीन फोर्स टू डू दिस, मेरे अपने बस की बात ही नहीं, नहीं बिताता फिर भी कहता हूं, इसलिए सत्संग में आइए अपने बात कर रहे हैं जिनके लिए तंग आते हैं।